फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीलोड लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट मेज। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो अपनी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकें। तो हमने लास्ट वीडियो में दो इशू डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करें, जिसमें हमने इमेज एलिमेंट डू नॉट एक्सप्लिसिट विड्थ एंड हाइट ये वाला इशू सॉल्व किया था, और एक और डेफर इमेज वाला किया था जो इसमें नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो पर जाके देख सकते हैं। अब आज हम देखते हैं प्रीलोड लार्जेस्ट कंटेंटफुल इमेज। जैसा कि इस वेबसाइट के इस यूआरएल में ये इस पेज में ये वाला एरर आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए। तो सबसे पहले आपको इस को कॉपी कर लेना है और किसी एडिटर में, मैं सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ, उसमें जाके पेस्ट कर लेना है। तो ये हमने पेस्ट कर लिया। अब हमको क्या करना है, इसके रिगार्डिंग ये इशू आ रहा है, तो हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए ये मैंने बना के रखा है पहले से। ये सिंटैक्स होता है लिंक टैग का यूज़ करेंगे, जिसका सिंटैक्स है लिंक, जैसे हम सीएसएस को लिंक करते हैं उसी तरह इसको करेंगे। इसमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं, सबसे पहला होता है इंडिकेट प्रीलोड। इसके लिए REL एट्रीब्यूट के साथ प्रीलोड ये मैंडेटरी है, ये आपको लगानी पड़ेगा। दूसरा है एज एज इमेज, ये इमेज है तो हमको ये मेंशन करना पड़ेगा एज इक्वल टू इमेज। तीसरा है HREF, ये इमेज का सोर्स होता है, सोर्स पाथ, और सोर्स पाथ में हम इमेज का पाथ डालेंगे। यानी कि अब मैं इसको अगर इसको कन्वर्ट करूं तो इसको ये ऐसा कर सकते हैं, इसको पाथ को कॉपी करके, ये पाथ पूरा नहीं है तो पूरा पाथ मैं यहाँ से लेता हूँ। ये वाली इमेज है बैकग्राउंड इमेज, काफ़ी बड़ी है तो मैं इसको यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर नहीं डालना था मुझे, यहाँ पर डालना है क्योंकि हमको लिंक टैग में डालना है। यहाँ पर डाल दिया। और तीसरा जो ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स है, ये रिस्पॉन्सिव इमेज के लिए है, इसको इमेज सीक्रेट बोलते हैं। वॉल 400, 500, 400, 800, इस तरह से हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो हम अभी इतना ही देखते हैं। अगर आपकी स्क्रीन और बड़े साइज की या छोटे साइज की, वो वाला आप विड्थ का जो है साइज यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से होगा। अगर आपकी इमेज का नाम है ये वोल्फ डॉट जेपीजी, तो आपको ये मेंशन करना है वोल्फ अंडर स्कोर साइज डॉट जेपीजी। अब हमारे केस में हमारी इमेज का नाम है ग्रिड बैकग्राउंड, तो हमको क्या करना होगा, ग्रिड बैकग्राउंड अंडर स्कोर डॉट SVG स्पेस भी है। इसी तरह यहाँ पर इमेज का नाम है ग्रिड बैकग्राउंड अंडर स्कोर 8 पिक्सल डॉट SVG, ठीक है। तो इसको उठाकर आपको जहाँ पर आपकी इमेज कॉल हो रही इससे रिप्लेस कर देना है, और कुछ नहीं करना है, इस तरह से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। आपका ये वाला एरर फिक्स हो जाएगा। तो आपका ये वाला एरर हो गया, ये वाला एरर फिक्स हो जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको फिक्स करना, क्योंकि इससे LCP का टाइम इम्प्रूव होता है। यहाँ पर दिया गया है प्रीलोड इमेज यूज्ड बाय द LCP एलिमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर LCP। और आपको अगर इसके बारे में और डिटेल चाहिए, आप लर्न मोर पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसके बारे में बता दिया जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये अपनी LCP का जो स्कोर होता है 2.5 से बिलो होना चाहिए, तो इसके बारे में आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। मैंने इसके एक एरर को सॉल्व करने का
बता दिया है, तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, कभी कभी ये होता है आपकी इमेज वहाँ पर दिखना बंद हो सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है पहले अप्लाई करने के बाद वो इमेज किस तरह से लेआउट शो हो रहा है उसको जरूर, ये क्या है 100% सिक्योर श्योर नहीं है ये काम करेगा कि नहीं, 90% ये काम करता है, लेकिन एरर तो दूर हो जाएगा लेकिन आपकी इमेज जो है गायब हो सकती है, तो आप एक बार चेक कर लें। मिलते हैं अगले इशू के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।